नमस्कार, जी बिजनेस पर स्वागत है आपका। मैं ताबिश हुसैन और देख लेते हैं फास्ट 50 50 बड़ी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले दिन केंद्र और राज्य जीएसटी रेट तय करने के लिए टाइम टेबल तय करने पर सहमति हो गई। साथ ही जीएसटी की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी टाइम टेबल तय करने पर सहमति बन गई। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एग्जेम्पशन लिमिट पर कई सुझाव आए और आगे की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कल की बैठक में फिर अगली तारीख तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल के पास 2 महीने का वक्त है और इस दौरान सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी है। जहां तक एग्जेम्पशन का प्रश्न है, 2 व्यू पॉइंट आए हैं और उन 2 व्यू पॉइंट में एक की तरफ अब हमने कन्वर्ज करना है। एक है कि एग्जेम्पशन लिमिट 10 लाख की हो। अधिकतर कम रेवेन्यू वाले राज्य चाहते हैं, जहां छोटे व्यवसायी हैं, कि हमारा राजस्व वहां से आता है, तो 10 लाख की हो। अधिक संख्या में वो लोग भी रहे हैं जिन्होंने कहा है कि 25 लाख की हो, और इसलिए ऑफिसर्स ट्रैक पे भी, दैट इज द टेक्निकल ट्रैक एंड द मिनिस्ट्रियल ट्रैक, वी विल ट्राई एंड फॉर्म अ कंसेंसस ऑन दैट इशू। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि जीएसटी के अधिकतर मुद्दों पर सहमति बन गई है और जल्द ही बाकी मुद्दों पर भी सहमति बना ली जाएगी। बट ऑन द होल आई थिंक द स्टेट्स हैव स्पोकन देयर माइंड। वी हैव टू continue with the federal polity of this country. Therefore, states have made very strong, clear statements on all matters, just as the center has been cordial in receiving those ideas. हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी कहा कि जीएसटी पर आसानी से सहमति बना ली जाएगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी को तय समय सीमा के भीतर लागू कर लिया जाएगा। प्राय सभी मुद्दों पर सहमति है और इन मुद्दों पर भी एक आम सहमति धीरे धीरे बन रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि जो राज्य जो 25 लाख से कम इस सीमा पर रखना चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश 10 लाख रुपए के टर्नओवर के व्यापारी को इसकी दायरे में लेकर के आना चाहता है, हमें लगता है कि वो इस बात को समझेंगे, स्वीकारेंगे कि छोटे व्यापारी को इसके बाहर रखने से जीएसटी बेहतर ढंग से लागू की जा सकेगी और वो हमारा साथ देंगे। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जीएसटी नेटवर्क यानी जीएसटीएन मामले में अपना हमला जारी रखा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जीएसटीएन का पूरा ऑपरेशन रोकने की मांग की है। स्वामी का कहना है कि जीएसटी के लिए आईटी ऑपरेशंस के लिए नियुक्त कंपनी को हटाकर इसका जिम्मा किसी सरकारी वित्तीय संस्थान को दिया जाना चाहिए, और जब तक इसका जिम्मा सरकारी संस्थान को नहीं दिया जाता तब तक ऑपरेशन रोक देना चाहिए। ब्लैक मनी डिस्क्लोजर स्कीम को बढ़िया रिस्पांस नहीं मिलने के बाद इनकम टैक्स अधिकारियों ने छोटे कारोबारियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी। मुंबई में इनकम टैक्स अधिकारी अब वड़ा पाव डोसा बेचने वालों पर भी छापेमारी कर रहे हैं। ठाणे में इनकम टैक्स अधिकारियों ने वड़ा पाव बेचने वाले घाटकोपर में एक डोसा सेंटर, अंधेरी में सैंडविच सेंटर और दक्षिण मुंबई में एक जलेबी वाले के यहाँ भी छापेमारी की। मध्य प्रदेश के सागर में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 प्राइवेट नर्सिंग होम्स पर छापा मारा है। आईटी विभाग को इन नर्सिंग होम से लंबे समय से टैक्स चोरी की शिकायत मिल रही थी। सागर हॉस्पिटल, नारायण हॉस्पिटल, सेवा हॉस्पिटल और मीरा हॉस्पिटल विभाग ने छापे मारे। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई 2 दिन तक चल सकती है।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन कर दिया गया है। चेतन घाटे, पामी दुआ और डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। सभी सदस्यों को 4 साल के लिए चुना गया है। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल और डिप्टी गवर्नर आर गांधी भी कमेटी के सदस्य होंगे। रिजर्व बैंक के ईडी माइकल पात्रा भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी के सदस्य अब आरबीआई के पॉलिसी रेट पर फैसला लेंगे। कल सेबी की बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले होने की उम्मीद है। जी बिजनेस को मिली सूत्र जानकारी के मुताबिक बोर्ड बैठक में कर्मचारियों के लिए आईपीओ में निवेश की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तय करने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा निवेश सलाहकारों पर सख्ती बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। शेयर ब्रोकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को निवेश सलाहकार के दायरे में लाने का प्रस्ताव आ सकता है। सेबी की कॉरपोरेट बॉन्ड में सीधा FPI निवेश लाने की भी तैयारी है। विजय माल्या के चेक बाउंस मामले में हैदराबाद की अदालत ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में किंग फिशर एयरलाइंस के सीनियर अधिकारी ए रघुनाथन को 1.5 साल की सजा सुनाई है। चेक बाउंस मामले में विजय माल्या मुख्य आरोपी हैं। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किंग फिशर ने 50-50 लाख रुपए के 2 चेक दिए थे जो कि बाद में बाउंस हो गए थे। रिलायंस जियो ने तो 4G ग्राहकों के लिए फ्री वॉइस कॉल का ऑफर रखा, लेकिन BSNL ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 2G और 3G ग्राहकों के लिए फ्री वॉइस कॉल का प्लान लाने जा रहे हैं। BSNL जनवरी से मुफ्त में कॉल करने की सुविधा देने जा रहा है, जिसके लिए जियो के न्यूनतम 149 रुपए से भी कम पैसे खर्च करने होंगे। ये प्लान BSNL के उन मोबाइल कस्टमर्स के लिए होगा जिनके घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी होंगे। रिलायंस जियो ने 20 दिन में 1 करोड़ ग्राहक बना लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक कंपनी जल्द ही 1 करोड़ ग्राहक होने का ऐलान कर सकती है। जियो के कनेक्शन के लिए ज्यादातर शहरों में अब भी लोगों की भीड़ है। साल की पहली छमाही में वोडाफोन ने भारत में करीब 47,700 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कंपनी रकम का इस्तेमाल स्पेक्ट्रम खरीदने, नेटवर्क विस्तार और न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए करेगी। कंपनी ने रिलायंस जियो से मुकाबले के लिए टैरिफ दरों में कटौती के भी संकेत दिए। And also continuously grow our market share within the country. In the first quarter, we gained 0.6% market share. फेड के दरें नहीं बढ़ाने से भारतीय बाजारों में जोरदार तेजी देखने को मिली है और निफ्टी 8,850 के स्तर के पार बंद होने में कामयाब रहा। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 266 अंक और निफ्टी 90 अंक की तेजी के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर बंद। ICICI Prudential Life की IPO को शानदार रिस्पांस मिला है। इशू 10.5 गुना भरकर बंद हुआ। ICICI बैंक के MD चंदा कोचर ने कहा कि इशू का पैसा ICICI बैंक को जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पैसे का इस्तेमाल कहां करना है ये बोर्ड तय करेगा। काफी ओवरवेलमिंग रहा है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से हो या वो रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से हो। जो ओवरऑल इशू है मोर देन 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। 11 लाख से ज़्यादा रिटेल एप्लीकेशंस आई। HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड का IPO अब तक सिर्फ 6% भरा है। HPL इलेक्ट्रिक का इशू आज खुला है और ये 26 सितंबर को बंद होगा।
इश्यू का प्राइस बैंड 175 से 202 रुपए के बीच है। कंपनी की आईपीओ के जरिए 361 करोड़ जुटाने की योजना है। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल कर्ज भुगतान और कैपिटल वर्किंग पर करेगी। सन फार्मा का बायबैक ऑफर आज से खुल गया है। कंपनी का ये बायबैक ऑफर 5 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी 900 रुपए के भाव पर करीब 75 लाख शेयरों का बायबैक कर रही है। कंपनी करीब 0.31% हिस्सेदारी का बायबैक करेगी। चने की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने लगी हैं। एक महीने में दिल्ली के थोक बाजार में चने का भाव 2,500 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गया है। इस दौरान भाव 7,000 रुपए से बढ़कर 9,300 रुपए प्रति क्विंटल के पार चला गया है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक एक महीने में रिटेल में भी चने का दाल का भाव 10% बढ़कर 110 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है, जबकि रिटेल में ये 120 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। ग्लोबल स्तर पर चुनौतियों के बीच एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार आगे आई है। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने 2,901 नए प्रोडक्ट्स को सपोर्ट बढ़ाया है और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम यानी MEIS के तहत आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए इंसेंटिव्स रेट बढ़ाने का ऐलान किया है। DGFT ने किए गए बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। नई सूची में कपड़े, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर प्रोडक्ट्स और केमिकल गुड्स के प्रोडक्ट्स शामिल किए गए। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा देश के टॉप 20 अमीरों में शुमार है। फोर्ब्स की टॉप 100 भारतीय अमीरों की जारी लिस्ट में डॉक्टर सुभाष चंद्रा 18वें पायदान पर है। पिछले साल भी वो इसी पायदान पर थे और इस लिस्ट में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी पहले पायदान पर बने हुए हैं। लेमोगनी ने स्पेशल एडिशन हुरकेन एवियो को लॉन्च कर दिया है। एविएशन टीम पर तैयार एवियो की दुनिया भर में सिर्फ 250 यूनिट ही तैयार की जाएंगी। हुरकेन एवियो की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 3,71,00,000 रखी गई है। हुरकेन एवियो में 5.1 लीटर का इंजन है जो कि 610 BHP की पावर देता है और इसकी टॉप स्पीड 325 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाईस किलोमीटर लंबे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम नए साल में शुरू हो सकता है। टेंडर में शामिल होने के लिए कंपनी का चुनाव इस महीने पूरा कर लिया जाएगा। कंपनियों की शॉर्ट लिस्टिंग हो जाने के बाद उनसे बोलियां मंगाई जाएंगी और नवंबर तक उसका आकलन भी कर लिया जाएगा। ट्रांस हार्बर के लिए MMRDA यात्रियों से टोल वसूलेगी। प्रोजेक्ट पर कुल 17,864 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आज सुबह पानी पानी हो गई। 2 घंटे की बारिश में सड़क से लेकर घरों तक में पानी भर गया। लोग घुटनों से ऊपर तक पानी में डूब कर सड़क पार करने को मजबूर हुए। वहीं हैदराबाद और गुंटूर में भी इंदू देवता जमकर बरसे। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि लोगों को करीब 3 फीट पानी में डूब कर रस्सी के सहारे निकालना पड़ा। एम्स के सुरक्षा कर्मियों से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में वो जमानत पर छूट भी गए। सोमनाथ पर समर्थकों को भड़काकर एम्स के सुरक्षा कर्मियों से मारपीट करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों के बाद देर सवेर लेकिन अब दिल्ली सरकार जागी है। CM अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को बुलाकर फॉगिंग ड्राइव शुरू की। केजरीवाल ने मंत्रियों के साथ मशीनों को हरी झंडी दिखाई।